झांसी मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर कस्बे में आंधी से गिरे पेड़ को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कस्बा रानीपुर के मोहल्ला झंडापुरा में आंधी से गिरे पेड़ को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से प्रमोद श्रीवास पुत्र रामचरण, गणेश पुत्र रामचरण, नरेंद्र पुत्र राजेंद्र, राजेंद्र पुत्र रामचरण, दूसरे पक्ष से मुन्ना कुशवाहा पुत्र दसई, मोती पुत्र मुन्ना, सूरज पुत्र पप्पू, रज्जन पुत्र दसई, अरविंद पुत्र रज्जन, गोविंद पुत्र नंदू, चुम्मन पुत्र छोटे, मनोज पुत्र नंदू घायल हो गए। मौके पर पहुंची रानीपुर चौकी पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को सीएससी मऊ रानीपुर भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मोतीलाल कहां से है? रानीपुर से। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? ये हवा में पेड़ गिर गया हमारा और हम लोग उसको तोड़ने लग गए ना, तो आ गए बाद में, वो बोले मारा है, हमने मना किया ना, तो पीछे से आके और हम सबको पीटा उन लोगों ने, बहुत बुरी तरह है। हमारे फोन फान भी छीन लेगा और यहाँ पे भी गुंडे बुलवा लिए बाहर। हमारे सारे, मेरी मम्मी को मारा, घरवाली को मारा, पिताजी को, भाई को, 7-8 लोगों को बहुत तरीके से मारा। 4-6 लोग, हाँ 6 लोग, 2 और 4। रानीपुर में भी एक झगड़ा सामने आया था, कितने को घायल है? उसमें भी करीब 7-8 लोग है, कोई पेड़ काटने और गरीब को लेकर के कोई विवाद था, तो उसमें भी काफी लोग घायल है, गंभीर भी है उसमें कुछ, अभी उनको भी इलाज किया जा रहा है और उसका डॉक्टरी परीक्षण किया जा रहा है, उसके पश्चात जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर देखेंगे कुछ क्या करना है। उसमें करीब हमें 2 तो लग रहा था सीरियस है, थोड़ा सा ज्यादा चोट है, अब ये तो डॉक्टरी हो जाए उसके बाद भी क्लियर हो पाएगा, लेकिन इनमें से देखते हैं अभी 6-8 लोग हैं उसमें, जब होगी अभी तो तुरंत की घटना है।